विरोध प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अंकुर चौधरी ने कहा कि मेला न लगने की वजह से इस बार भी जिला पंचायत ने लाखों लोगों की आस्था के केंद्र मखदुमपुर मेले पर पानी फेर दिया है, क्योंकि समय रहते आयोजन को लेकर की जाने वाली तैयारियां नहीं की गई हैं। पूर्व के समय में मेला स्थल पर तैयारियां महीनों पहले से शुरू कर दी जाती थी, जिसमें मेले स्थल पर जाने वाली स्थायी सड़कों का निर्माण करना, तंबू की व्यवस्था, पीने के पानी के लिए नल की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था होती थी। लेकिन जिला पंचायत ने मखदुमपुर मेला स्थगित करने की घोषणा कर दी, जबकि मखदुमपुर मेला लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जिसको लेकर आज कमिश्नरी पार्क पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों ने हाथ में काली पट्टी बांध कर सांकेतिक धरना किया। हमारी मांग है कि मेले लगाने की तत्काल व्यवस्था की जाए, ताकि मेले के ऐतिहासिक महत्व को बचाया जा सके। मेरा नाम अंकुश चौधरी है, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी मेरठ से। मांग को लेकर आज आप यहां धरने पर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी मेरठ का, महानगर का, जिले का पूरा संगठन आज यहां बैठा है। जो मखदुमपुर का ऐतिहासिक मेला जो लगता था, 2 साल कोविड की वजह से नहीं लगा, लाखों लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है, तमाम तरह के क्रियाकलाप उसमें होते थे, लेकिन जिला पंचायत को चूंकि वो लगाना था, उन्होंने सिर्फ बहाना बना के कि इस बार वो जिला पंचायत जो है उस मेले को नहीं लगा रहे। हमारी मांग है कि जब लाखों लोगों की, हमारे इस क्षेत्र के पूरे लोगों की मांग है कि मेला लगना चाहिए, क्योंकि वह धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, बच्चों के मुंडन होते हैं, जो हमारे घरों में हमने अपनों को, परिजनों को खोया, बड़ों बुजुर्गों को उनके दिए लगाने का काम होता है।